భారత భూభాగంలో చైనా ఆక్రమణలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ కేంద్రంపై మరోసారి విమర్శలు గుప్పించారు. భారత భూభాగంలోని కొంత భాగాన్ని చైనా ఎలా ఆక్రమించగలిగిందో మీకు తెలుసా? ఉన్నత పదవిలో ఉన్న వ్యక్తి కేవలం తన ఇమేజ్ గురించే చూసుకుంటారనే విషయం చైనాకు బాగా తెలుసని వెంగోక్తులు వేశారు. పంజాబ్లోని పాటియాలాలో మీడియా సమావేశంలో పలు కీలక విషయాలపై ఆయన గలమెత్తారు. ऑपोजिशन लीडर्स को कहा हिंदुस्तान की जमीन किसी ने नहीं ली. 1200 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने हमारी जमीन ले रखी है. कैसे ली? क्योंकि चाइना को मालूम है कि ये व्यक्ति जो ऊपर बैठा है ये सिर्फ अपनी इमेज की रक्षा करता है. ये अपनी इमेज बचाने के लिए 1200 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमें दे देगा. आप सिर हिला रहे हो, पूरा देश जानता है. आर्मी के किसी भी सिपाही से, जनरल से पूछ लो, आपको बता दे कि नरेंद्र मोदी ने अपनी इमेज बताने के लिए देश को झूठ बोला. भारत माता की बात करते हैं, भारत माता के 1200 स्क्वायर किलोमीटर नरेंद्र मोदी ने चाइना को दे दिए अपनी इमेज बचाने के लिए. रियलिटी, मानो ना मानो, इसके बारे में नरेंद्र मोदी क्या बोलते हैं? आप कभी बुलाइए उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसे खुल के बुलाइए, बात कीजिए उनसे. वो आपसे इतना डरते क्यों? रीजन एक ही है, चाइना से भी उस कारण डरते हैं और आपसे भी ये कारण, इस कारण डरते हैं. वो सोचते हैं चाइना हमारी इमेज खराब कर देगा, वो सोचते हैं ये जर्नलिस्ट हमारी इमेज खराब कर देंगे. नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ अपनी इमेज में इंटरेस्ट है. टनल में जाएंगे, अकेले जाएंगे, वेविंग हो जाएगी, मीडिया पे पूरा पूरी मोनोपोली है, सोचते हैं कि भैया मीडिया दिखाएगा मुझे टनल में. तो उनको सिर्फ अपनी इमेज से ऑब्सेशन है. जो भारत में हो रहा है उससे कुछ लेना देना नहीं.